सुरीर क्षेत्र में डेंगू से मौतों का क्रम बढ़ा, स्वास्थ्य विभाग बेखबर। नौहझील ब्लॉक के गांव में विधोनी ओहावा में एक अनजान बीमारी बढ़ती जा रही है। लोगों की माने तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बीमार है और करीब एक दर्जन के करीब मौत हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि तमाम सूचनाओं के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम सुरीर के गांव को ओहावा विधोनी में नहीं पहुँच पाई है। ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक गाँव में कोई भी स्वास्थ्य शिविर नहीं लगाया गया है, जिससे कि गाँव में हो रही मौत और हर घर में पड़े बीमार लोगों का इलाज किया जा सके। जब हमारी टीम विधोनी ओहावा के लोगों से जानकारी करने पहुंची तो उन्होंने बताया कि ऐसा कोई घर नहीं जिसमें कोई ना कोई बीमार पड़ा ना हो और हम लोगों को अभी तक बीमारी का पता भी नहीं है जिसका इलाज हम कराएं। कभी कोई डॉक्टर डेंगू तो कभी कोई कुछ बताकर टरका देते हैं। कई बार सूचना करने के बाद भी स्वास्थ्य विभाग का कोई भी नुमाइंदा गांव नहीं आया है, मगर रोजाना मौतों का क्रम बढ़ता जा रहा है। अमित अग्रवाल, राया, समाचार 24। जी, क्या नाम है आपका? नेमी जी, कहाँ के रहने वाले? गांव विधोनी। क्या बीमारी है आप लोगों के? बीमारी पूरा काम है, छोटे थे बड़े थे सब बीमार पड़े। अब तक कितने लोग बीमार होंगे? करीब गाँव करीब करीब मान लो 900 लोग बीमार हैं। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई मदद मिली आपको? प्रशासन द्वारा कोई मदद ना मिली, टीम बताइए आ रही है, पता ना है हमें आई है कि ना आई। अब तक कोई इलाज नहीं हुआ? कोई इलाज ना है, सरकारी में ना प्राइवेट में, अपने मर रहो अपने फूको। कितने लोगों की मौत हो चुकी है अब तक? करीब करीब 12-14 लोग मर चुके हैं। कितने दिन में? 8 दिन में 12 लोग। अभी तक कोई प्रशासन का नुमाइंदा वहाँ पर नहीं है? अब जान जमान जनानी मरी है, करीब करीब 35 साल अभी। जी जी, और क्या बीमारी का नाम बता रहे हैं डॉक्टर, जैसे आप इलाज करा रहे हैं यहाँ पे? डेंगू बता रहे तो कोई प्लेट कम बता रहे तो कोई ब्लड कम बता रहे तो पता ही ना है, तो जिन डॉक्टर नहीं पता होगी सर। अब तक सही से इलाज नहीं हो पा रहा है? हाँ जी, पुत्र लग रही है, 4 दिन तो हमारे इलाज कराते हम क्या करें।